अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, दो शब्द ऐसे हैं जिससे हम सभी परिचित हैं और सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ये शब्द हैं, चाहे वह व्यवहार की बात हो चाहे वह परमार्थ की बात हो। कौन है वे? सुख और दुख। हम कोई भी काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इन्हीं दोनों के लिए, या तो सुख पाने के लिए या फिर दुख से छूटने के लिए। सुख और दुख क्या है, कहां से मिलते हैं हमको? क्या बाहर से आने वाले सुख दुख हैं? और यदि आने वाले हैं बाहर से, तो फिर सबके जीवन में सुख दुख की मात्रा अलग अलग है। जैसे बारिश होती है सबके लिए बराबर, धूप निकलती है सबके लिए बराबर, हवा चलती है सबके लिए बराबर। यदि सुख दुख भी आकाश से आता, वातावरण से आता, तो यह भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है सबके सुख दुख अपने अपने हैं। सुख अपना है, दुख अपना है। तो सुख अपना दुख अपना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य व्यवहार होते हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य व्यवहार होते हैं जिससे हम सुखी हो जाते हैं। सुख दुख का वस्तुतः मूल रूप क्या है, क्या चीज है वो, आज तक हमने कभी इसके बारे में परख नहीं की है। सद्गुरु विशाल देव ने एक पंक्ति कही है, दुख खेदे सुख को भजय यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहे राखा हो ये विरोध। सबका अपना अनुभव क्या है, दुख खेदे, खेदना माने भगाना हटाना। जीवन में जब दुख आता है तो उसे हम भगा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। दुख खेदे, भजते किसको हैं, पाना किसको चाहते हैं, आकांक्षा किसकी होती है, सुख को भजे। ये एक सबकी सामान्य मानसिकता है, लेकिन होता क्या है, खेदा सो सन्मुख रहे, जिसे आप खेद देते हैं, भगाना चाहते हैं, वो सामने खड़ा हो जाता है। राखा हो या विरोध, जिसको आप रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह क्या होता है, उसका विरोध पड़ जाता है, वो चला जाता है। सबके जीवन में इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि सुख मिला, बुजुर्ग हो गए हैं, सुख मिला कहाँ, जीवन में सुख मिला। मुझे याद है, ये तो 25 साल पहले की बात होगी और ज्यादा भी हो सकते हैं। कई वर्षों के बाद मैं अपनी जन्मभूमि गया तो एक 70-75 साल के बुजुर्ग मिलने आए, बैठे थे। मैंने कहा, बाबा जी आपको जीवन में सुख ज्यादा मिला कि दुख ज्यादा मिला? तो करीब करीब उनकी आंखें डबडबा आई थी। उन्होंने कहा कि दुख ही ज्यादा मिला।
और जिसे हम सुख भी मानते हैं वस्तुता है क्या? किसे कहते हैं सुख? एक गुरुदेव जी की बात भी याद आ गई। प्रायः गुरुदेव जी इसको कहा करते थे, दिल्ली के आसपास एक बड़े शहर में थे गुरुदेव जी और अपने कक्ष में बैठे थे। एक दंपत्ति पति पत्नी मिलने आए जिनकी उम्र 65-70 की रही होगी। दोनों प्रणाम किए आकर बैठने के लिए जैसे घुटने मोड़ रहे थे दोनों, ऐसा संजोग दोनों के मुंह से एक साथ निकला, महाराज जी जीवन में सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी जानते थे ये धनी आदमी है। उन्होंने कहा आप तो धनी आदमी हैं, दिल्ली के नजदीक भी हैं, 2-4 लाख रुपये ले जाइए और दुकानों में सुख खरीद लाइए। कोई ऐसी दुकान है जहां सुख मिले? उन्होंने गुरुदेव जी ने कहा अच्छा बताओ सुख कैसा है, लंबा है कि गोल है, सफेद है कि काला है, कैसा रंग है, कैसी आकृति है, कभी सोचा है सुख को? उसने कहा कि महाराज जी ऐसा तो कभी सोचे नहीं, कहे सुख के लिए भाग रहे हैं। जिस सुख के लिए भाग रहे हैं कभी आपने इकट्ठा किया? आप कहते मैं तो सुखी हूं, अच्छा बताओ कैसे सुखी हो, कहा है वो सुख? सुख और दुख का जो स्वरूप है ना वो कोई वस्तुगत नहीं है। जैसे सुख के विषय में कहा आप दुख के विषय में भी सोच सकते हैं। आप अपने घरों में जाए और घर के कोने कोने को ढूंढ ले कहां है जरा दुख, आज मैं ढूंढ के उसको मार के भगा देता हूं। अलमारी को खोल के देख लें, कोई पेटी वगैरह रखे होंगे उसको खोल के देख लें, कमरे कमरे को ढूंढ लें, कहीं दुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा बाहर मिलेगा? सदगुरु कबीर ने यह बात कही है, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। कई जगह उन्होंने बात कही है, सब सुख तेरे पास या फिर दुई दुख मेट के हो सनाथा। ये बहुत सारी बातें सदगुरु कबीर ने भी सुख और दुख के संबंध में कही है। क्योंकि हम, मैंने कहा ना, हम सभी क्या चाहते हैं? सुख 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 सुख। कभी कभी मैंने ऐसे ही सत्संग में पूछा, अच्छा सुख चाहते हैं तो कैसा सुख चाहते हैं? तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है छोटा सुख और एक होता है बड़ा सुख। एक होता है छोटा सुख, एक होता है बड़ा सुख। अच्छा छोटा सुख का मतलब क्या है? छोटा सुख का मतलब यह हुआ जो आज मिले और कुछ दिनों के बाद में हो जाए, छोटा सुख। और बड़ा सुख का मतलब यह हुआ एक बार मिले और जीवन में कभी न खोए, जीवन में कभी न खोए, सदा बना रहे। तो अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना? अच्छा आप कैसा सुख चाहिए? तब आप क्या कहेंगे? एक छोटी सी बिटिया बैठी थी, एक बार की बात है, वो बिना कुछ कहे बोल दिए जोर से, बड़ा सुख चाहिए। अब बड़ा सुख, अब बताओ, एक बार मिले और कभी ना बिछुड़े, लेकिन हम उस बड़े सुख को पाने के लिए क्या करते हैं? उन चीजों से जुड़ते हैं जो स्वयं स्थिर नहीं है। हम लोग स्थिर सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, लेकिन जुड़ाव कहाँ है? जुड़ाव है क्षणिक प्राणी और पदार्थों में। अर्थात क्या होता है? बहुत सारा धन आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब बहुत सारे धन की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी आपसे पूछो बहुत सारा धन का क्या अर्थ है, वो खुद नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं ना उससे ज्यादा वाला धनी है। किसको कम और किसको ज्यादा कहते हैं?
बहुत अच्छी बात कहते थे गुरुदेव जी, कितना पढ़े लिखे हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कैसे? मेरे से जो लोग कम पढ़े हैं उससे मैं बहुत पढ़ा हूँ, और मेरे से जो ज्यादा पढ़े हैं उससे कम पढ़ा हूँ, थोड़ा पढ़ा हूँ, है ना? तो आपसे जो कम धन है जिनके पास में, उससे ज्यादा है आप, लेकिन ज्यादा है उनसे, आप कम है। अच्छा, ये सदा बना रहेगा शैता। और धन का मतलब क्या हुआ? एक बड़ा सा मकान हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, मेरे कपड़े बहुत मूल्यवान हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए ठीक से, और मेरे बच्चे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ने लग जाएं। ये सारी चीजें मिल गई तब क्या होता है? अच्छा, उसके बाद क्या चाहोगे? ये सारी चीजें मिल गई, आप पूछ लेना किसी से। अच्छा, आप भी महसूस कर सकते हैं, अच्छा मैंने चाहा तो था, शुरू में क्या चाहा था? पढ़ लिख लूं, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, सब सेट हो जाए, बड़े हो जाए, सब हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लगता था कि अभी कहां सुख है, शादी हो गई कितना सुख पाए। अच्छा, बच्चे आ गए तब कितने सुख पाए। गुरुदेव जी के प्रवचन तो सुने होंगे कई बार, बहुत लोग पुराने बैठे हैं सब। गुरुदेव जी पूछा करते थे इन 70-80 साल के बूढ़ों से, पूछ लो शादी करके क्या फायदा पाए। जिस दिन दुल्हा बने थे उस दिन तो लगता था ना बहुत सुख मिलने वाला है, आज कैसा लगता है? क्या कहेंगे? ठगा गए, कुछ नहीं, क्या मिला, दुख दुख पाते रहे, जंजाल ही तो पाए, उलझन ही तो पाए। सही देखा जाए तो हम जो सोच के बैठे हैं कि वस्तुएं हमारे पास ज्यादा हो जाएंगी, देखिए मैं एक चीज बताऊं, वस्तुओं के आने से आपको सुख का अनुभव होता भी है, ये सच भी है, गलत नहीं है। जैसे एक आदमी है भटका हुआ है, घर तो है नहीं, मकान है नहीं उसका, लेकिन उसके नाम से एक मकान हो जाए, आनंद आएगा ना? ऐसे थोड़ी उसे दुख आएगा भाई। किसी को रुपये पैसे की कमी और एक बड़ी सी गठरी मिल जाए जिसमें बहुत सारे रुपये पैसे हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा, कितने दिन तक लगेगा? मकान में आप प्रवेश करेंगे, बहुत अच्छा लगे, मेरा मकान, मेरा मकान, और कुछ ही दिन के बाद क्या लगेगा? बस मकान में रहते तो है और क्या है? कुछ नहीं, बस खाते पीते जीते हैं। मकान आया तो लगा तो बड़ा सुख मिला, लेकिन होता क्या है जनरली, शुरू में जो मिला वो धीरे 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 क्षीण होने लग गया। हर प्राणी और पदार्थों की स्थिति क्या है, क्योंकि बदलती है ना, चीजें बदलती रहती हैं। वह मकान नया था, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पुराना 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 पुराना। जो पहले दिन जो नया में सुख मिला था, क्या वो दूसरे दिन मिलेगा? आप लोग गाड़ी खरीद के लाते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, पहली बार जब लाते हैं तो एक दो दिन क्या करते हैं, जब कोई बाहर ले गया ना गाड़ी को, लौट के आता है तो पहले क्या करता है, अपनी सफाई, कपड़े की सफाई, बाद में पहले गाड़ी की सफाई, ये अनुभव होगा। साफ सुथरा करते ना गाड़ी की, साफ करेंगे भाई, अभी नया चमक रही है। फिर क्या होता है, धीरे 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 फिर भी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, और कहीं 4-5 साल बीत गए, अब देखो गाड़ी को धूल लगी है, मिट्टी भी लग गई है, तब कहते हैं कभी धुलवा देंगे, है कि नहीं? अब वो चीज नहीं रह गई है पहले वाली। तो पहले जो आकर्षण था उस गाड़ी के प्रति, धीरे 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 वो कम होता चला गया। ऐसे ही घर मकान की बात है, वो भी शुरू में बड़ा आकर्षण, एक बड़ी सच्ची घटना है, मैं जानता हूं। गुरुदेव जी बताया करते थे कि एक बार एक बड़े आदमी थे, वो जाना हुआ गुरुदेव जी के साथ, तो उनके यहां जब गए ना तो क्या हुआ था, मकान कुछ कहीं कहीं अब पुराना होने के बाद में स्वाभाविक रूप से प्लास्टर छोड़ दिया, कहीं टूटा कहीं फूटा, तो रिपेयरिंग करवा रहे थे, तो रिपेयरिंग करवा रहे थे तो जो खिड़की के बाहर जो छज्जा होता है जिससे पानी ना आ सका के लगाए रखते हैं,
तो वो डिजाइन वाला बना था पहले, डिजाइन वाला। अब जब वो टूट गया था तो बनवा रहे थे, सादा सादा बनवा रहे थे। गुरुदेव जी ने कहा, अरे जैसा पहले डिजाइन था वैसा बनवा दो। उन्होंने क्या कहा, पुराने मकान को कहाँ तक सजाऊं साहब। बाद में गुरुदेव जी बताए, जब शुरू शुरू में मकान बना था, शुरू में जब उनके घर गया था तो कोई दीवार में हाथ रख देता ना हाथ, तो डांटते थे, ऐ हाथ मत रखो दाग लग जाएगा। एक समय वो था, एक समय। और अब पुराने मकान को कहाँ तक सजाऊं, आकर्षण खत्म हो गया ना। शुरू में जो आकर्षण होता है धीरे 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 वह आकर्षण खत्म होता है, तो उससे जो मिलने वाला, क्योंकि चीजें बदलेंगे ना, स्थिर तो रहेंगे नहीं। गाड़ी पुरानी होगी, मकान पुराना होगा, कोई भी चीज, जैसे भोजन, आप कहेंगे ये सब चीजें तो अलग है, लेकिन खाने में तो मजा आ जाता है, बहुत आनंद आता है, सुख मिलता है। अच्छा क्या खाने में सुख मिलता है आपको? अच्छा आप कहेंगे भाई रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है, खूब रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है। अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, 5 किलो रसगुल्ला आपके नाम से रख दिया, और आपने आपसे कहा कि खाओ भाई 5 किलो रसगुल्ला है, तो क्या होगा? पहला रसगुल्ला खाएंगे पहला, तो जो सुख मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा ना, क्योंकि एक तो बहुत मन में आकांक्षा थी रसगुल्ला खाऊं, और वो जो सचमुच मिला तो क्या हुआ, बहुत आनंद आया। अब दूसरे रसगुल्ला में पहले वाला आएगा, पहले वाला आएगा। ये अर्थशास्त्र का नियम भी है, अर्थशास्त्री लोग इसको लिखे भी हैं। भोजन के पहले ग्रास में जो सुख का अनुभव होता है, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, आप बढ़ाते जाइए। यदि आपको रसगुल्ला में सुख है ऐसा लगता है, तो रसगुल्ले की मात्रा बढ़ाते जाइए और सुख की मात्रा बढ़ती चली जानी चाहिए। दो खाए डबल सुख, तीन खाए तीन गुना सुख, चार खाए चार गुना, पांच खाए पांच गुना, और 10 खाए तब 10 गुना सुख। अच्छा 20 खा गए तब किसे होगा बताओ, सही है उल्टा। अब देखिए ये क्या होता है, पहले पहले सुख लग रहा था, लेकिन धीरे 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 सुख की मात्रा कम होती चली जाती है। ये नियम ही है, कभी स्थिर नहीं, सुख कभी हो ही नहीं सकता उसमें। यदि वो अंत में जिसमें सुख नहीं है, इसका मतलब शुरू में भी नहीं था, वो केवल सुख का भ्रम था। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी मिठाई में यदि आप विश्लेषण करेंगे तो क्या है, उसमें है चीनी, है तेल, है घी, है दूध वगैरह, कुछ मिला हुआ है उसमें, है कुछ आटा वगैरह सब मिलकर के बना हुआ है, यही सब तो है, वस्तु ही तो है भाई, आप उसमें सुख क्यों मान लिए? एक मंदर अंदर जो फीलिंग्स होती उस समय के लिए आपने ऐसा माना, लेकिन धीरे 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 वो कम होता चला गया। मैंने कहा ना, चाहे वो प्राणी हो, पदार्थ पदार्थ हो, जितने भी पदार्थ मिलेंगे वो सब धीरे 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 उसके सुख की जो का भाव है वो घटता चला जाएगा। इसी प्रकार प्राणी, जैसे मैंने अभी कहा, शादी होती है, पति और पत्नी एक दूसरे को बिल्कुल स्वर्ग के रूप में देखते हैं, और पहला मिलन होता है, एक दूसरे से मिले अच्छा तो लगा भी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, समय बीतता चला गया, बीतता चला गया, 2 साल 4 साल 20 साल 25 साल। देखो शुरू में उनके साथ मिलने में आपको आनंद आया होगा, वो तो नहीं रहेगा। बच्चा पहला पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से बच्चे के पैदा होने पर तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन बच्चा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ कैसा लगा, और कहीं वो बड़ा होकर के कॉलेज पढ़ने लग गया, फिर वो कहता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए 25-30 हजार वाली। अब आप क्या कहेंगे, पहले तो सुख लग रहा था ना, बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, अब क्या होगा, ये बदमाश पढ़ता लिखता नहीं, ये बाइक मांगता है मोबाइल मांगता है, डांटेंगे ना आप, और कुछ करने लग गया और थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर वो गुंडागर्दी में उतर गया और बदमाशी करने लग गया, आप कहेंगे मेरा नाम डुबा दिया, ये मेरे यहां जन्म ही क्यों लिया, कहां से हुआ। वस्तुतः पुत्र के आने से
सुख कहां से मिल जाएगा? किसी भी व्यक्ति के आने से सुख कहां से मिल जाएगा? चाहे वो मित्र का मिलना हो, किसी का भी मिलना हो जाए, सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्राणी और पदार्थों से मिलने वाले सुख बहुत ही क्षणिक होते हैं, अस्थिर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और इतना ही नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए, केवल परिवर्तनशील हो नहीं, अंततः दुख छोड़ करके जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। सद्गुरु कबीर ने जो कहा है ना, मिलन बिछुरन दुहेल राज जस केचुल तजत भुवंग। मिलने में भी और बिछुड़ने में भी, सांप की केचुली जब आ जाती है तो सांप को आवरण होता है ना, आवरण तो दिखाई नहीं देता है, तो बड़ी कठिनाई होती है चलने में भी, आहार ग्रहण करने में भी, खोजने में भी। लेकिन जब वो उसकी केचुल से बाहर आता है तो भी कठिनाई होती है, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मुलायम हो जाती है, चलने में भी कांटे कंकड़ लगते हैं, छोटे मोटे कीड़े भी काटने लगते हैं, चींटी इत्यादि, बहुत कठिनाई होती है। मिलन बिछुरन दुहेल राज जस केचुलि तजत भुवंग, सद्गुरु कबीर ने कहा है। ऐसी माया की चीजें हैं दुनियावी चीजें, मिलती है तब और बिछुड़ती है तब। कैसे, इसको समझे थोड़ा सा। जब चीजें आती हैं तब तो सुख लगा, लेकिन जब चली गई तब, किसी भी संबंध में, जैसे मैंने कहा अभी आपको धन तो मिला, लेकिन जब बिछुड़ेगा तब, बिछुड़ेगा तब, खो जाएगा तब, बहुत दुख होगा। या परिवार का है कोई सदस्य है जिसको लेकर के आपको लगा बहुत अच्छा बेटा हो गया, पत्नी हो गई, कोई भी हुआ, बहुत आनंद आया, लेकिन कदाचित उनसे वियोग का समय आएगा, एक दिन तो आना ही है, तब क्या होगा? तब आपको दुख होगा। क्यों दुख होगा? दुख इसलिए होगा कि उनके साथ जो आपने समय बिताए, जब पति पत्नी का में से एक का शरीर छूटता है, चाहे वो पति का हो, इस बच्चे को संभालो, चाहे वो पत्नी का शरीर छूटे चाहे पति का, क्या होगा? जो बचा रहेगा, जो बचा रहेगा, उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि उनके साथ लंबे समय तक उन्होंने जीवन बिताया है। अब वो जितने दिन समय बिताए हैं, वो सारी बातें याद कर कर के रोता रहेगा, रोता रहेगा। क्योंकि यदि ये पता है कि ये मन ने क्या मान के रखा है, ये सदा ही बना रहेगा। यही जब एक भ्रम है हम लोग का, चीजें सदा बनी रहेंगी, प्राणी सदा बने रहेंगे। जबकि मैंने सुबह के सत्र में भी कहा था ना, परिवर्तन, परिवर्तन दुनिया का नियम है। शरीर बदलेगा, वस्तुएं बदलेंगी, लोगों का मन बदलेगा। अच्छा, शरीर नहीं भी छूटा है तो भी उनकी मानसिक अवस्था बदलेगी, उसका रूप सौंदर्य बदलेगा, सब कुछ तो बदल जाएगा। फिर कहाँ वो स्थिर सुख है? सुखी नहीं है। जैसे मैंने अभी रसगुल्ले के बारे में उदाहरण दिया, वो क्या है, आप ग्रहण करते गए, करते गए, करते गए, तो एक समय तक तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में आपको कहा गया नहीं 20 रसगुल्ले खाने हैं। अब जिस रसगुल्ले से सुख मिल रहा था वही अब दुख का कारण हो जाएगा। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। एक सीमित मात्रा तक ही उसका सही उपयोग संभव है। इसलिए इसमें सुख नहीं। एक संस्कृत के कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, और इसको उपनिषद में भी चर्चा आई है इसकी, श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग, ये यम और नचिकेता का संवाद है, उसी में बात आई है, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग क्या है? श्रेष्ठ मार्ग, अर्थात किसी काम में लगो और वह काम शुरू में कष्टदायी लगता हो, लेकिन उसका परिणाम आनंददायक होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लगो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत कष्टकर होता है, बहुत कष्टकर होता है। ये संसार का भोग शुरू में आकर्षित करते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में कांटे छोड़ करके जाते हैं।
उसकी यादें छोड़ करके जाते हैं और हम दुखी बने रहते हैं, क्योंकि अंदर में संस्कार बैठ गए ना उसका, वो जाते नहीं है। फिर संस्कृत कवि ने क्या कहा है, गन्ने का उदाहरण दिया है, अरे गन्ना, गन्ना सभी खाए होंगे, अभी तो एकादशी भी आया तो उसमें भी खाए होंगे, तो गन्ना के उदाहरण देकर क्या कहते हैं, अरे गन्ना ईख, उन्होंने लिखा कि आप में कई गुण हैं, कई गुण हैं, बहुत मीठे हो, सुस्वाद हो, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी उसने, तो कई गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है, गन्ने में बहुत सारे गुण के होते हुए भी एक अवगुण है, क्या है, जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम नीरस होते चले जाते हो। गन्ने को शुरू में चूसो, क्या रहता है, सरस, और चूसते जाओ चूसते जाओ तो गन्ना नीरस। एक यात्रा है सरसता से नीरसता की ओर, और दूसरा है नीरसता से सरसता की ओर। सरसता से सरस भोग सरस लगते हैं, रस लगते हैं उसमें, कोई भी भोग में लगो बड़ा आनंद आएगा, चाहे वो किसी प्रकार के, चाहे वो आंख, चाहे मैंने कहा ना जिसे कोई आंख से भी देखो, कोई सिनेमा ही देखता हो चलो ठीक है, कोई अच्छा दृश्य देख रहा हो तो शुरू में बहुत अच्छा लगा, मान लो कोई सिनेमा देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, 3 घंटे देखे, उसके बाद में फिर देखे, अच्छा उसके बाद फिर देखे, उसके बाद फिर देखे, क्या होगा, कुछ है उसमें, आपको तकलीफ होगी, फिर अधिक तकलीफ होगी, उसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले जा सकते हैं, धीरे 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 वही उसका आकर्षण खत्म होता जाता है। वो पुरानी एक कहानी है कि एक जोकर या कहना चाहिए कॉमेडियन कह लो जो भी हो, आया और सभा में एक चुटकुला सुनाया, सब तो चुटकुला जब पहली बार सुनाया तो लोग खूब हंसे, खूब हंसे, तो उसने चुटकुला सुनाने वाले ने रिपीट किया, फिर सुनाया तो कम हंसे, उसके बाद तीसरी बार सुनाए और बहुत कम लोगों का केवल चेहरा में मुस्कान भर आई, अच्छा चौथी बार सुनाए अब क्या होगा, अच्छा पांचवी बार सुनाएंगे तब लोग खड़े हो, क्या उसी को बार बार सुना रहे हो, शुरू में जो आनंद आया था वो अब धीरे 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 खत्म, सरसता से निरसता की ओर। लेकिन इसका उल्टा भी है, जिसको श्रेय मार्ग, एक है प्रेम मार्ग, जो ही बता रहा था प्रेम मार्ग, प्रिय लगने वाला मार्ग, शुरू में प्रिय लगता है लेकिन परिणाम क्या होता है, कष्टप्रद होता है, दुखप्रद होता है, और दूसरा है श्री मार्ग, शुरू में कष्टप्रद, साधना भजन सत्संग कष्टप्रद, ध्यान करो बड़ा कष्ट लगता है, स्वाध्याय के लिए समय निकालो कष्टप्रद है, और स्वाध्याय और साधना की बात तो ठीक है, लेकिन आप यदि अपने स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए सुबह उठ करके वॉकिंग करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, अब क्या होगा, उठने का मन नहीं करेगा ठंडी के मौसम में कि सुबह जल्दी उठूं, लेकिन आपने ये कष्ट सहा, आपने पुस्तक पढ़ने का कष्ट सहा, ध्यान करने का सहा, संयम का सहा, लेकिन यही धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो आनंद देने लगेगा। शुरू में तो कष्टप्रद लग रहे थे लेकिन परिणाम क्या हुआ, आनंद का अनुभव कराया, आनंद का, तो ये चीज, और वो फिर स्थिर होती चली जाएगी, वो होता चला जाएगा। इसलिए जो सुख है वह सुख प्राणी और पदार्थों में नहीं है, बाहर से आप सुख नहीं पा सकते, ना प्राणी पदार्थों में है ना किसी आकाश में है। कोई कह सकता है नहीं जी दुनिया में सुख नहीं है, स्वर्ग में सुख है, परमात्मा जब मिलेगा तो सुख है,
सदगुरु कबीर ने कहा कि धोखे में न रहो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, कहा कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। ई इस संसार अर्थात पंच विषयों के भोग में लोग सुख मानते हैं। कुछ लोग क्या मानते, नहीं यहाँ नहीं है, ऊ मतलब ऊपर, या तो स्वर्ग या फिर किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से मिल करके। साहब कहते हैं वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वो भी स्थिर नहीं है। किसी से मिलना भी, किसी से भी मिले, चाहे उनका नाम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा रखें, अंततः उनसे वियोग होना ही है, इसलिए वो भी नहीं है। कहां है कबीर पुकार के राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआला संसार। इसलिए साहब कहते हो राम तत्व में आ जाओ। जैसे मैंने एक पंक्ति गुरुदेव सदगुरु कबीर की कही थी, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। हमारे जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख से कहां से मुक्ति, कैसे मुक्ति पाओगे, जब राम को जानोगे। तो दुख कहीं बाहर नहीं, सुख कहीं बाहर नहीं है कि आप बाहर से सुख और दुख को ला सकें। कहाँ है वो मन की अवस्था है, आपके मन की दशा है, आपके सोचने का ढंग, आपके जीने का ढंग ऐसा है कि आप दुखी होते चले जाते हैं। लेकिन कोई अपने जीने के ढंग को ठीक कर ले, कोई अपने सोचने के ढंग को ठीक कर ले, तो जिस जीवन में वो दुख का अनुभव कर रहा था, उसी जीवन में अब सुख का अनुभव करने लग जाएगा, उसी जीवन में। तो अंतर क्या हुआ, आप सोचने के तरीके को बदलें, आप अपने बोलने के तरीके को बदलें, आप अपने व्यवहार करने के तरीके को बदलें। अर्थात जब आप बदल जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, और जब जीवन बदल जाता है, जीवन में आने वाले परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए सुख और दुख के लिए आप परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, लोगों को दोष मत दीजिए। आपके जीवन में दुख आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि किसी ने आपको दुख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे को दोष देना बंद करना होगा, क्या करना होगा, अपने ही जीवन को झांकना होगा, अपने ही कार्य व्यवहार को देखना होगा, और जहां गलतियां हैं उसे सुधार करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। इसलिए आप स्वयं को ठीक करिए, और स्वयं को ठीक करेंगे ना, मैंने कहा ना परिणाम बदल जाते हैं। मैं थोड़ा सा दो उदाहरण दूं तो आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। कैसे मैंने कहा था कि सोच, आपके जो विचार है, आपका जो ढंग है ना सोचने का, परिस्थिति वही होती है। एक ही परिस्थिति में एक आदमी सुखी है, अर्थात वो सहज है, प्रसन्न है, और दूसरा आदमी दुखी है। जैसे एक उदाहरण से इसको इस ढंग से समझे कि एक आदमी गाड़ी से निकला, कार से ऑफिस जाने के लिए निकला, शहर का मामला, तो हुआ क्या कि समय से उनको ऑफिस पहुंचना चाहिए था। आगे जब गया शहर में तो देखा कि वहां ट्रैफिक जाम है, भीड़ लगी लंबी लाइन। अब वो सोचा कि गाड़ी निकल जाएगी, थोड़ी देर में ट्रैफिक खुलेगी, तो गाड़ी खड़ी की। फिर क्या हुआ, अब 5-7 मिनट बीता, तो उतर के पूछा किसी ट्रैफिक पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे कब तक रहेगा। उन्होंने कहा किसी वीआईपी के आने की बात है, और कम से कम ये आधे घंटे भी लग सकते हैं। अब जब वो उसकी गाड़ी गुजरेगी तभी इधर से रास्ता खुलेगा। वो इतना नाराज हुआ, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले बहुत गलत, तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा नाराज हुए, जैसे लगा कि मुझे गाली दे रहे हैं। वो तो किसी भांति क्षमा याचना ना करके बचा। अब वो इतना इरिटेट था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, फिर क्या किया कि अब बहुत परेशान अंदर बैठा कि क्या बताएं, ये सरकार और ये पुलिस व्यवस्था, ये वीआईपी लोग को भी समझ नहीं है कि कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, मेरे टाइम देरी हो रही, ये है वो है। अब अंदर आग बबूला हो रहा था। इतने में ऑफिस से फोन आया। अब चूंकि वो आग बबूला था, चूंकि वो एकदम से परेशान था, भड़का हुआ था, अब वो ऑफिस वाले को भी
भड़क गए, उनके लिए भी उनको भी डांट डपट लगा दी। जबकि ऑफिस से जब फोन आया तो उनकी कोई गलती नहीं, कोई बात को पूछने के लिए थी, जब देरी होती रही तो उनको पूछने लगे, वो उनके ऊपर भड़क पड़े। इतने में घर से फोन आ गया पत्नी का, उन पर भड़क पड़े। अब देखिए कितना आंदोलन भीतर। कारण क्या था? ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। बस एक दूसरा आदमी था, वो भी गाड़ी से आ रहा था, ऑफिस जाना था, उसे पता चला कि ट्रैफिक जाम है और किसी वीआईपी के आने की बात है, जब उसकी गाड़ी गुजरेगी उसके बाद ही ट्रैफिक खुलने वाला है। तो फिर उसने कहा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी में आया और एक पहली बात तो कयास किया उन्होंने, एक संगीत सुना बढ़िया सा, थोड़ा सा मन का और रिलैक्स किया। डायरी निकाला, कुछ अधूरा काम थे उसको लिख करके पूरा किया, पुस्तक निकाल लिया पढ़ने लग गया, या फिर फोन कर दिया मोबाइल में, मोबाइल से वहाँ अपने ऑफिस में कि मुझे थोड़ी सी देरी है, ये काम कल, बड़ी शालीनता से और बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ, क्योंकि उसको पता था मेरे चिल्लाने से ट्रैफिक जल्दी खुलने वाले नहीं है। बड़े शांत स्थिति से सबको काम बता रहा है, घर से फोन आया उसको भी बड़े प्रेम से उत्तर दिया। क्या हुआ आप समझ गए ना, स्पष्ट है परिस्थिति दोनों के लिए समान, ट्रैफिक दोनों के लिए, लेकिन एक आदमी उलझा हुआ है और दूसरा आदमी अपना काम बढ़िया से कर रहा है, बल्कि सोचा कि चलो समय मिला है कुछ सुन लूं, मोबाइल में सुन लूं या फिर कुछ पढ़ लूं, ज्ञान हासिल कर रहा है, समय का सही उपयोग कर रहा है। तो परिस्थिति कारण नहीं है, आप उस परिस्थिति में कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक समान परिस्थिति में एक आदमी दुखी रहता है, चिल्लाते रहता है, और एक आदमी सहज रहता है, शांत रहता है। तो फिर परिस्थिति नहीं बदलनी है, आपको बदलना है, आपको। और आप बदलेंगे जैसे आपकी मन स्थिति बदली, परिस्थिति बदल जाती है। ध्यान दो, जैसे आपकी मन स्थिति बदलती है, अंदर की स्थिति ठीक होती है, आप बाहर की परिस्थिति को भी ठीक करने लग जाते, अपने आप होने लग जाती है। जैसे मैंने कहा आदमी ऑफिस गया तो ऑफिस जाने के पहले वो भीतर से प्रसन्न है, घर से ही बढ़िया से बढ़िया माहौल से निकला और हंसते हुए मस्त अंदर से इतना खुश खुश ऑफिस गया। अब ऑफिस में किसी की छोटी मोटी गलती हुई, अब क्या होगा? चूंकि इतना खुश है कहेंगे कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत प्रेम से समझाएगा ना। अब सामने वाला क्या मानेगा, इतनी गलती होने के बावजूद इन्होंने डांटा नहीं, प्रेम से समझाया। अब उस आदमी का भाव उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जो काम वो बताएगा सब करने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोगी। वो गया ऑफिस में सबके साथ में मस्त मुस्कुरा करके वार्ता कर रहा है, सब बढ़िया कर रहा है, माहौल इतना सुंदर हो गया उस ऑफिस का, सब खुश, क्योंकि जो ऑफिस का मालिक गया था बहुत खुश था, बहुत खुश। तो वहां के माहौल को भी उन्होंने खुशनुमा बना दिया। और एक आदमी घर से ही लड़ाई झगड़ा करके निकला, बहुत परेशान, उलझा हुआ। जब ऑफिस गया तो क्या हो गया, वहां गया छोटी सी गलती के लिए इतना चिल्लाने लगा, वो भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़ाने लग गया। फिर क्या हुआ, अब जो आदमी वहां काम कर रहा था उसने कहा गलती कितनी बड़ी हो गई थी, छोटी सी गलती थी और इतना भड़बड़ा रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। अब उनके प्रति उनका भाव, घर उनके भाई का भाई के लिए क्या भाव, अच्छा भाव नहीं होगा। और जब उसका मन, अब दूसरे लोग सुनेंगे, बाजू बाजू के लोग सुन रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों में चिल्लाए चले जा रहे हैं, पूरा ऑफिस का माहौल प्रदूषित हो गया, विषाक्त हो गया। कहां से हुआ, मना स्थिति, आपकी स्थिति में प्रदूषण है, विकार है, वो विकार आपके वातावरण में फैल गया। और जिसका मन शांत और प्रसन्न है उसका वातावरण भी अच्छा हो गया। इसलिए ये सुख और दुख ये बाहर की परिस्थितियों से नहीं,
प्राणी और पदार्थों से नहीं, जिनके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी गाड़ी और कई कई गाड़ी है, कीमती कपड़े हैं और बहुत उनके भोजन भी कीमती होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो आदमी शांत और सुखी होगा। और जिसको जिसका मकान छोटा, गाड़ी छोटी, कपड़े सामान्य, भोजन सामान्य होते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो दुखी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें बाहरी होती हैं। आपका जीवन जीने का ढंग कैसा है, आपका सोचने का ढंग कैसा है, इसे आपको देखना पड़ेगा और यही ठीक करना है। इसीलिए यहाँ व्यक्ति को खुद को सुधारने की चर्चा होती है। आप सुधरें, आप ठीक करें अपने आप को। दूसरों को आप कभी ठीक नहीं कर सकते, परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, और आप स्वयं अपने को बदलने का प्रयत्न करते, अच्छा करते भी हैं, एक चीज बताऊं, करते भी हैं। कैसे करते हैं, एक उदाहरण दो समझ में आ जाएगा। आपको अपने घर से मान लो विद्यालय जाना हो, दुकान जाना हो, किसी काम से जाना हो, जैसे घर से निकलने का समय आया, बारिश होने लग गई। अब आप कहेंगे मैं तो इस काम को तब जाके करूंगा जब ये बारिश या तो बंद हो जाए, लेकिन इमरजेंसी इतना है कि आप बारिश के थमने तक रुक नहीं सकते। तब आप कहेंगे यहाँ से मेरी दुकान तक, मेरे ऑफिस तक, यहाँ से वहां तक त्रिपाल छा दी जाए या टीन शेड लग जाए, तब जाऊंगा। क्या संभव है? संभव नहीं है। आपने क्या किया, एक छाता ले लिया या रेनकोट लगा लिया, क्या हुआ, कहां बदलाव किए, खुद में, स्वयं में बदलाव किए ना, और आप वहां निकल गए। अच्छा, बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन उस बारिश होते हुए भी चूंकि आपने अपने आप में कुछ ऐसा परिवर्तन किया कि बारिश आपको बाधा नहीं पहुंचा रही और आपने काम के लिए निकल गए। ऐसे ही ठंडी बहुत कठिन हुई, जैसे निकले थे बहुत ठंडी लग रही है, आपने कहा इतनी कठोर ठंडी, कठिन ठंडी में मैं काम में नहीं जा सकता हूँ, मैं तब जाऊंगा जब मेरे रास्ते में दोनों तरफ आग जले और उसकी आंच लगे रास्ते में, तब मैं वहां पहुंचूंगा। तो ये कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। आपने क्या किया? नहीं, मुझे बाहरी परिस्थिति नहीं बदलना है, एक गर्म कपड़ा पहन लिए, स्वेटर पहन लिए, कोट पहन लिए, टोपी लगा लिए, चादर ओढ़ लिए और अपने काम के लिए निकल गए। क्या हुआ, बाहर में अभी भी ठंडी है, लेकिन आपने अपने में परिवर्तन किया और अपना काम कर लिए। गुरुदेव जी कहा करते थे और बहुत प्रसिद्ध भी है, धनी से धनी आदमी भी, चाहे वो राजा महाराजा हो या आज के मंत्री मिनिस्टर हो, यदि वो चाहें कि हम पूरी पृथ्वी पर चाम बिछा देंगे, चाम इसलिए बिछाना है क्योंकि कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, वो ना लगे, पूरे चाम बिछाएंगे तब चलेंगे, क्या संभव है? नहीं। क्या करना है? चाम का जूता पैर में पहन लेना है, और जैसे चाम का जूता पैर में पहने, आपके लिए क्या हो गया, मानो पूरी दुनिया में चाम बिछा हुआ है। परिवर्तन कहां किया गया? खुद में। समझ रहे हैं ना ये बात? बिल्कुल। और जैसे आप हुए तो आप बाहर शिकायत करना बंद कर देंगे, बारिश के लिए शिकायत करना, ठंडी के लिए शिकायत करना, कंकड़ पत्थर के लिए शिकायत करना बंद। ऐसे ही है, इसी प्रकार से लोग आपको बोलते हैं, कभी कटु बोला, कभी कुछ बोले, कभी कुछ किए, अब उसको क्या करोगे? सबको आप अपने अंदर में ऐसा कुछ दीवार खड़ी कर लिए, अंदर से कुछ ऐसा कोटेड कर लिए, अंदर से एक छतरी बना लिए अंदर अंदर कि वो आया और गया, बातें आई और गई, उसको बहुत आप उसको नोटिस नहीं करते, इग्नोर करते। अरे ठीक है ना, उनकी समझ ही ऐसी है, क्यों उसको, आपके ही घर के सदस्य हैं वो, जैसे कोई सास बहू है, अब सास चिल्ला रही है, आप सही कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन उनकी आदत ही इतनी है कि थोड़ी छोटी बातों में चिल्लाना, आप कहेंगे ठीक है चिल्लाओ, अब उनके साथ लड़ोगे झगड़ोगे तो खराब, इसलिए उन सब चीजों से इग्नोर करो, अपने में सहन शक्ति बढ़ाओ, धैर्य बढ़ा लो, विनम्रता बढ़ा लो, बस करते चले जाओ, कहां तक लड़ाई झगड़ा करते रहोगे। इसलिए परिवर्तन अपने में। तो मैं ये कह रहा था, हमारे सुख और दुख के कारण बाहर नहीं, प्राणी और पदार्थ नहीं, परिस्थिति नहीं, वस्तुतः
हमारी मन स्थिति है, हमारे सोचने का ढंग जो दुख की स्थिति रहती उसे सुख में बदल देती है, बदल देता है, या फिर दुख वाले को भी सुख में बदल देता है। मैं एक दो उदाहरण दिया करता हूं। प्रायः एक आदमी था, मकान बनवाया और अपनी जमा पूंजी लगा करके एक मकान बनाया, एक किसी बिल्डर को दिया, भाई ठेकेदार को कि भी मेरा मकान बना दो, तो मकान बना दिया उसका, जैसा नक्शा दिया था उसके आधार पर मकान बिल्कुल तैयार। अब क्या हुआ, आप सभी यही करते हैं, जब मकान तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश, तो उसके लिए तिथि निर्धारित करते हैं, तो किसी से तिथि निर्धारित की गई कि भाई आज से एक सप्ताह के बाद उस घर में प्रवेश करना है। ठीक है, तो एक सप्ताह के बाद में जब घर में प्रवेश करना था, तो एक दो दिन के बाद क्या हुआ था, भयंकर बारिश हुई, मूसलाधार, बहुत ज्यादा बारिश, और उस बारिश में उसका जो नया मकान था वह धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया, भार आ करके गिर गया। अभी तो घर में रहना भी शुरू नहीं किया था, मकान एकदम धराशायी हो गया। फिर क्या हुआ, आसपास के लोग आए और कहने लगे कि भैया आपका मकान गिर गया। अब आसपास के लोग संवेदना व्यक्त करने आए, सहानुभूति प्रकट करने आए, भैया आपका मकान गिर गया, आपको कितना नुकसान हो गया, कितनी मेहनत से बनवाए थे, ऐसा कहने वाले कई लोग आ गए। आसपास के मोहल्ले के लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई। वो आदमी सुना, मेरा मकान गिर गया नया वाला, और मैंने इतनी उसके लिए पैसे लगाए थे, खर्च किए थे, थोड़ा सा लगा तो उसको, लेकिन उठा और क्या किया, बाजार में गया और बहुत सारी मिठाइयां खरीद के लाया और लोगों में बांटने लगा। लोगों ने क्या कहा, यह आदमी का दिमाग जो है विचलित हो गया है, अपसेट हो गया है, तो क्या कहोगे, पागल हो गए हो, मिठाई बांट रहे हो। उसने कहा कि नहीं नहीं पागल नहीं हुआ हो, अरे तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो। उन्होंने कहा, मैं मिठाई इसलिए बांट रहा हूँ भगवान को धन्यवाद देने के लिए, भगवान को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि हे भगवान, यदि ये मकान यदि कहीं आठ एक सप्ताह के बाद गिरा होता, हम पूरे परिवार के लोग वहीं दबके मर जाते। एक सप्ताह पहले गिर गया, हम सबके सब सुरक्षित बचे तो हैं। देखिए कितने बड़े, उसके लिए एक प्रकार से दुख की स्थिति थी, इसके बावजूद उसने अपने मन को ऐसा समझाया कि उसको वही दुख, अब उस वहां उसकी परिस्थिति बदल गई। मन की स्थिति बदलने से एक सोचने का तरीका, नजरिया बदला और बस परिस्थिति बदल गई, वो दुख भी उसको दुख नहीं पहुंचा सका। इसका उल्टा उदाहरण एक दूं और समाप्त करूं, समय पूरा हो गया है। क्या हुआ था उसमें, एक बार अकबर और बीरबल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, कुछ कहानियां तो जोड़ी गई हैं, बहुत वो सारी कहानियां अकबर और बीरबल के जीवन में घटी हो वो बात नहीं है। तो अकबर और बीरबल एक बार हवा खोरी के लिए निकले, तो कभी तो वो जंगलों में बागों में जा करके घुमा करते थे, कभी कपड़ा भी बदल लेते थे, और एक दिन उनका मन में चलो तो थोड़ा प्रजा की ओर चले, बाजार में देखें जब हमारी प्रजा प्रसन्न है कि नहीं है, तो दोनों चले गए। तो देखे कि एक व्यापारी बहुत मायूस उदास खिन्न बैठा हुआ है मुंह लटका करके। अकबर ने कहा, बीरबल जरा पता करो, पता करो। तो उस जाकर कहे, भैया काहे को परेशान हो, दुखी लग रहे हो, क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा, देखो हुजूर, मैं छोटा व्यापारी हूँ, जमा पूंजी लेकर के मैंने कंबल खरीदे और कंबल बहुत सारे खरीद लिए, लेकिन इस साल ठंडी नहीं पड़ रही है और इसीलिए कंबल नहीं बिक रहे हैं, और जब कंबल नहीं बिक रहे हैं आमदनी नहीं होगी, मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, जीवन गुजर कैसे होगा, दुखी स्वाभाविक है। उसने कहा, बात तो सही है, आमदनी नहीं तो दुख तो है ही है। अकबर ने सुना और कहा कि ठीक है, कुछ व्यवस्था करते हैं। अगले दिन वो अपने दरबार में जो भी दरबारी आए थे, सभासद आए थे, उन लोगों से कहा कि कल एक एक नया कंबल लेकर के दरबार में आना है,
जो लोग नया कंबल लेकर के दरबार में नहीं आएगा, जो नहीं आएगा उसे 500 रुपये जुर्माना दंड किया जाएगा। दरबारियों ने कहा बड़ी विचित्र बात है, अरे कंबल को यहाँ क्या जरूरत है जिसे कंबल के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब राजा से बोले कौन, सभी चुप। ठीक है भाई, तो और राजा की तो अपनी योजना थी। अंत में लोग गए कंबल खरीदने के लिए, उस व्यापारी के यहाँ पहुंचे कंबल खरीदने, भैया कंबल दो कंबल दो। तो अब क्या होता था, दो खरीद के जाता, चार खरीदने वाले आते। अब देखा आज तो कंबल की बिक्री बढ़ गई है, तो 5 रुपये में कंबल को बेचता था। अब जब बिक्री बढ़ती चली गई, कंबल की मात्रा कम होती चली गई, तो क्या किया उसने, 10 रुपये, 5 रुपये कंबल कितने में बेचा, 10 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। अपने लिए एक कंबल उसने बचा के रखा था, ठंडी में मैं इसका उपयोग करूंगा। सारे कंबल बिक गए, बहुत सारे कंबल कितने में बिके, 10 रुपये में, 5 का कंबल 10 रुपये में बेच डाला। अंत में क्या हुआ, कंबल खत्म हो गए, एक कंबल अपने लिए बचाया था। शाम का रात करीब अंधेरा हो गया, बीरबल पहुंचा, भैया मुझे एक कंबल चाहिए। उसने कहा नहीं कंबल तो खत्म हो गए। अरे नहीं भाई कंबल चाहिए ही चाहिए, एक नया कंबल। क्या हुजूर कंबल है नहीं है। अरे चाहे जहां से लाओ, इंतजाम करो कोई कंबल का। उसने कहा मैं अपने लिए एक रखा हूँ, अपनी ठंडी के लिए, अपने लिए खुद के लिए रखा हूँ, अच्छा दे दो मुझे। उसने कहा नहीं देने वाला हूँ। अरे दे दो। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो आपको लेना ही था, 250 रुपये लगेंगे। कितना कहा, 250 रुपये लगेंगे। उसने कहा 250 रुपये, देखो हुजूर आपको लेना तो ले जाइए ना, मैं कहाँ बेचने वाला हूँ। बीरबल ने सोचा कि 250 रुपये यदि कंबल न खरीदो और वहां जाऊं दरबार में तो क्या होगा, 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, तो 250 में ही खरीद लो भाई, 250 रुपये खरीद लो। उसने क्या किया, 250 रुपये दे करके कंबल खरीद लिया। अगले दिन दरबार में सब कंबल लेकर आए। ये तो अलग विषय हुआ। फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन अकबर और बीरबल फिर गए उस व्यापारी के पास। अकबर ने कहा बीरबल अब तो व्यापारी बहुत खुश होगा ना, उसके कंबल बिक गए होंगे, बहुत आमदनी होगी। हाँ हुजूर होना चाहिए, देखते हैं, मानवीय फितरत है, कैसी उसकी मानसिकता है। तो अब जब गए वहां पर देखे तो वो जो व्यापारी था और दुखी, एकदम मुंह लटकाया हुआ, उदास और खिन्न। पूछा भैया कल तो आपके कंबल बिक गए होंगे ना, अब तो खुश रहना चाहिए, क्यों दुखी हो। हाँ हुजूर सचमुच कल कंबल मेरे बिक गए सब, और कई कंबल तो मैंने 5 के बदले में 10 रुपये में बेचे, आमदनी हुई है, और एक कंबल तो मैंने 250 रुपये में बेचा, बहुत आमदनी हुई है, तो फिर तब खुश रहना चाहिए। अब क्या बताऊं हुजूर, मेरे मन में यही हो रहा है, मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी, सारे कंबल 250 रुपये में बिके होते कितना फायदा हुआ होता, समझ रहे ना। उसको आनंद मनाना चाहिए ना, क्या मना रहा है, दुख मना रहा है। दुख कौन दे रहा है, खुद, उनकी विचार, उनके सोचने का ढंग। शुरू में मैं कहा था सुख और दुख ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारा जीने का ढंग जब गलत होता है हम दुखी होते चले जाते हैं, लेकिन जीने के ढंग को हम ठीक कर लेते हैं हमारा जीवन सुखी हो जाता है। घटना चाहे जो हो, हमें उस घटना के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करनी है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम सभी इस पर ध्यान दें, अपने जीने के ढंग को सुधारें, तो हमको भी दुख के स्थान पर सुख का अनुभव होने लग जाएगा। आज इतना ही साहब, बोलिए सतगुरुदेव की जय।